हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। भाजपा नेताओं की संसदीय समिति ने कहा, मोदी सरकार ने रक्षा क्षेत्र और सेनाओं को 1962 की स्थिति में पहुंचा दिया है। मोदी सरकार पर पिछले कुछ समय से लगातार आरोप लग रहा है कि वो राष्ट्रवाद का ढोंग कर देश के रक्षा क्षेत्र और देश की सेनाओं को कमजोर कर रही है। अब ये बात संसद की एक समिति ने भी मान ली है। सबसे बड़ी चीज ये है कि इस समिति के अध्यक्ष किसी विपक्षी पार्टी के नेता नहीं, बल्कि एक समय प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शक रह चुके भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी हैं। इतना ही नहीं, समिति में 16 भाजपा सांसद भी है। मोदी सरकार पर ये अब तक का सबसे बड़ा धब्बा है। मुरली मनोहर जोशी ने कहा है कि मोदी सरकार आज देश के रक्षा क्षेत्र को उस स्थिति में ले आए जैसी 1962 में चीन से हार के बाद उसकी थी। सशस्त्र बलों की रक्षा, रक्षा उत्पादन और खरीद पर महत्व देते हुए समिति ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि मोदी सरकार देश की राष्ट्र सुरक्षा की उपेक्षा कर रही है। ये भविष्य के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। समिति ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों से भी बात की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2018-19 के बजट में सरकार ने रक्षा क्षेत्र को GDP का 1.6% हिस्सा दिया है। 1962 के बाद देश की रक्षा क्षेत्र को मिला ये GDP का सबसे कम हिस्सा है। समिति ने कहा है कि जब देश दो मोर्चों पर घिरा है, दूसरी तरफ हिंद महासागर में भी उसे दबदबा बनाए रखना है, ऐसी स्थिति में इतना कम बजट रक्षा को देना आलोचनात्मक है। समिति ने सिफारिश करते हुए कहा है कि रक्षा क्षेत्र को वर्तमान जरूरतों और भविष्य में हथियारों के आधुनिकीकरण के लिए पर्याप्त बजट दिया जाए। समिति ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि मोदी सरकार आने के बाद देश की रक्षा क्षेत्र पर सरकार ने पूंजी व्यय प्रतिशत यानी सालाना खर्च कम कर दिया है। 2013-14 में तत्कालीन सरकार ने सालाना खर्च का 39% रक्षा क्षेत्र को दिया था, लेकिन अब 2017-18 और 2018-19 में इसे घटाकर क्रमशः 33% और 34% कर दिया गया है। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप अपना कुछ फीडबैक या सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखकर दे सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल माइंड द न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के बारे में सबसे पहले पता चल सके। तो देश दुनिया की सनसनीखेज और मजेदार खबरों के लिए देखते रहे माइंड द न्यूज। नमस्कार।